नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सबका उत्तराखंड ब्लॉगर संतोषी रावत के चैनल पर। तो गाइस, संतोषी रावत का नहीं, आप सबका ही ये चैनल है, और जिन्होंने मेरे को इतना बड़ा सहयोग दिया है, आप लोगों ने अपना, और आप लोग ही इस चैनल के वो हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चैनल मेरा है, हम सबका ये चैनल है। तो आप हैं तो मैं हूँ। तो गाइस, आज है 8 जून और दिन है आज सोमवार का। तो जैसे कि आपको पता है कि काम मेरा काफ़ी रहता है घर में, मेरा क्या यार, सबका ही रहता होगा। तो आज थोड़ा ना सुबह से काफ़ी काम था, कुछ एक्स्ट्रा काम था घर में। तो अभी दिन के 1:30 बज चुके हैं, और तो मैंने यहाँ पे काम वाम करके तो 5 दिन का मेरा ये जो है मलाई थी फ्रिज में से निकाली, तो मैंने कहा घी बना देती हूँ, क्योंकि घी ना ख़त्म हो गई है घर की। तो ये बच्चे जो हैं बार बार जो है ब्रेड वगैरह तल के खाते हैं घी में, तो घी अभी बिल्कुल भी नहीं थी। और मलाई सिर्फ 5 दिन की ही है, 10 या 15 दिन की मलाई की मैं जो है घी निकालती हूँ। तो ये 5 दिन की मलाई है, तो मैंने कहा घी ख़त्म हो गया तो कोई बात नहीं, निकाल देती हूँ जितनी भी बनेगी। तो गाइस, यहाँ पे मेरे को कुल 5 मिनट लगे हाथों से इसे निकालने में। देखिए, हाथ से ही मैंने निकाला, और क्योंकि मैं चम्मच वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आपको। फ्रिज में से मलाई निकाली और एक बर्तन में लिया, थोड़ा सा हाथों से फेंटा, और इसमें बर्फ़ रख दीजिए, अगर फ्रिज में बर्फ़ है तो बर्फ़ इसमें डाल के आप अच्छे से थोड़ा हाथों से घुमा के 5 मिनट में जो है आपका मक्खन रेडी हो जाता है। और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी जो आप थोड़ा ऐड करोगे, ज़रूरत पड़ेगी, वो भी फ्रिज का होना चाहिए एकदम ठंडा, क्योंकि आजकल जो है गर्मी है ना। तो देखिए, आप देख रहे हैं मैं ये जो है बर्फ़ ऐड कर रही हूँ, इसमें बर्फ़ डाल रही हूँ। तो बर्फ़ से क्या होता है कि फटाफट से आपका जो है मक्खन निकल जाता है। तो देखिए, यहाँ पर मुझे 5 मिनट 6 मिनट लगे, ज़्यादा नहीं। तो मैंने फटाफट से हाथों की मदद से ही अपने फटाफट हाथ वगैरह अच्छे से साफ़ कर लीजिए, और हाथों की मदद से जो है फटाफट मलाई कह रही हूँ, मक्खन आपका रेडी हो जाता है। तो बस मैं फटाफट इसका अभी घी निकालूंगी। तो घी क्योंकि ख़त्म हो चुका था, और मैं बहुत कम बाहर से घी लाती हूँ, और फुल क्रीम हम जो है दूध लेते हैं, तो उसकी मलाई काफ़ी गाढ़ी लगती है, बच्चे हमारे मलाई खाते नहीं हैं वैसे। तो मैं क्या करती हूँ, मलाई निकाल देती हूँ, हर 10-15 दिन में मैं जो है घी बना लेती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ सब। और तो आज मैंने अपना ब्लॉग भी यहीं से स्टार्ट कर दिया है, और दिन में अभी हमने रोटी सब्जी बनाने का सोचा है। तो सब्जी मैंने बना दी है भिंडी की, और रायता बनाना है, बच्चों को रायता बहुत पसंद है, हमेशा रायता हम बनाते ही बनाते हैं। तो रायता बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा, और देखिए मक्खन हमारा जो है रेडी हो गया है, और इसमें से कुछ भी नहीं निकला, ज़्यादा छाछ ना, कोई पानी ना कुछ। और देखिए, ये एक्स्ट्रा पानी जो हमने ऐड करा था, इसमें बर्फ़ का पानी मैंने ऐड करा था, देखिए एकदम से बढ़िया सा बन गया है हमारा मक्खन। और इस पानी को हम अच्छे से, पानी क्या ये मैंने इसको साफ़ करने के लिए होता है ना अच्छे से, तो आपका मक्खन जो है एकदम गोले के शेप में बन जाता है। देखिए, देखिए मैं हाथ से बना रही हूँ, तो देखिए गोला बन चुका है, और एकदम फ्रेश जो है मक्खन है। आप इस मक्खन को, कितनों को शौक़ होता है ना जो मक्खन खाते हैं, हमारे घर में तो कोई इस टाइप का मक्खन खाते नहीं है। तो ये 5 दिन का ही है, ज़्यादा दिन का भी नहीं है, एकदम फ्रेश और बहुत ही टेस्टी होता है मक्खन। तो इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं और घी भी बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, मक्खन मेरा निकल चुका है, देखिए आपके सामने ही 5 मिनट में तैयार हो गया है मक्खन, और अब हम इसका बना देंगे घी। बस हो चुका है, चलिए अब किचन में ले चलती हूँ और गैस में रखती हूँ, फटाफट से घी तैयार करूँगी और फिर बनाऊँगी रायता। और आज उत्तराखंड के स्टाइल में रायता बनाऊँगी, तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि उत्तराखंड में हमारे वहाँ कैसे रायता बनाते हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट होता है उस टाइप में, और आप लोग भी बनाइएगा ज़रूर। तो यहाँ पर देखिए, मैंने घी रख दी है गैस में, तो बस थोड़ी देर में घी बन के मेरी रेडी हो जाएगी। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, कोई नए देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाल बटन होता है सब्सक्राइब का, लिखा हुआ होता है, बटन नहीं होता है, सब्सक्राइब करके लिखा हुआ होता है, तो उसे दबा दीजिएगा,
और एक घंटी होती है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो मिलती रहेंगी, ब्लॉग मिलते रहेंगे। और अगर ज़्यादा पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक तो कर ही दीजिएगा, एक लाइक दे दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए घी बन के रेडी हो चुका है और थोड़ा मैंने इसे ठंडा होने दिया देखिए, और अब मैं इसको बर्तन में रख दूँगी। तो यहाँ पे ये मैंने डब्बा ले लिया स्टील का, हमेशा मैं इसी में घी रखती हूँ। तो ये गाइस 1 किलो का है और 1 किलो से थोड़ा सा कम का है ये। तो मैंने पिछली बार भी एक बार घी निकाला था, आपको दिखाया था, तो वो 10 दिन का मेरा जो है मलाई थी, तो 1 किलो घी बना था, पूरा ये डब्बा भर गया था। और एक कटोरी जो है अलग से मैंने रखी थी क्योंकि इसमें आया नहीं था ना पूरा, तो एक कटोरी घी बच गई थी। तो यहाँ पे देखे आज उतना तो नहीं, 5 दिन की मलाई है लेकिन आधा किलो घी तो निकल ही गया है, देख लीजिए आप। डब्बा चौड़ा है, ये किलो का ही है, किलो में थोड़ा सा ही कम है ये, तो इतना सा देखिए ये निकला है इसमें से मसाला, आप देख ही रहे हैं, ज़्यादा नहीं निकला है, इतना ही निकला है। तो ये रही घी, तो गाइस देखिए घी, तो चलिए गाइस घी तो हमारी जो है बन के रेडी हो चुकी है और मैंने रख दिया बर्तन साइड में। और इधर मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, भिंडी की सब्ज़ी बना रखी थी और रोटी भी बना दी है, तो अब मैं रायता बना रही हूँ। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ रायता, और उत्तराखंड के स्टाइल में, हमारे उत्तराखंड पहाड़ में ऐसे ही रायता बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी होता है, आप देखिए कभी बना के। तो गाइस यहाँ पे मैंने ले लिए हैं कुछ मिर्च और लहसुन और एक छोटा टुकड़ा अदरक का, तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे ये अदरक का टुकड़ा है काफ़ी छोटा रखा है, और लहसुन रखे हैं 4-5 कली, और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च रख दी है, आप ज़्यादा भी जितना आप पसंद करते हो उतना रख लीजिए। और अब मैं इसको जो है साफ़ करके लाऊंगी। तो मेरे पास सिलवट्टा भी है लेकिन मैं इसी में अपने स्लिप में जो है अच्छे से साफ़ करती हूँ मैं इसको हमेशा, तो मैं इसमें ही पीसूँगी इसको, मिर्च को, लहसुन को, और ये हम रायते में रखेंगे। और रायता जो है बहुत ही टेस्टी बनता है, अब हम जो है आप लोग ज़रूर रायते में लहसुन, हरी मिर्च, थोड़ा अदरक पीस के एक बार डाल के देखना, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको रायता कैसा लगा, इस टाइप में अगर रायता बनाओगे तो, और जैसे मैं बना रही हूँ। देखिए अब हम ये मिर्च, लहसुन और अदरक को अच्छे से पीस लेंगे। तो गैस इस तरीके से पीस लेना है, देखिए पीस चुका है, और अब हम यहाँ पे साफ भी कर देंगे और इसे उठा के हम रख देंगे रायते में। तो देखिए ये रहा हमारा रायता जिसमें हमने खीरा कस के रखा है और दही रखी है, और ये मिर्च और लहसुन इसका पेस्ट हमने पीस के रख दिया, और इस तरीके से पीस के ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे तवे में मैंने ये जखी भून दिया है, गरम तवा, तवा थोड़ा गरम कर दिया, उसमें जखी डाल दिया, और ये ना जब चढ़कने लगता है तो तब इसको हमको रायते के ऊपर डाल देना है, और नमक, मिर्च और गरम मसाला इसमें हम ऐड कर देंगे। मिर्च हम थोड़ा सा ऐड करेंगे क्योंकि हरी मिर्च भी है, और थोड़ा गरम मसाला और नमक अपने स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा हल्दी, और हल्दी ज़रूर डालिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है रायता ऐसे और जिस तरीके से मैंने बनाया है। तो गाइस एक किसी ने मेरे से पूछा था क्या ये जखी को यहाँ क्या बोलते हैं, तो मुझे पता नहीं है यहाँ, मैं किसी से पूछूंगी क्योंकि मैंने यहाँ ये कभी नहीं ख़रीदा। हमारे गांव में इसको जखी बोलते हैं, छोटे छोटे से दाने होते हैं जैसे राई के होते हैं ना, उस तरीके के दाने। तो ये सीताफल की सब्ज़ी होती है और अरबी की सब्ज़ी, कड़ी में, बहुत सारी चीज़ों में इसको रखते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा रायता बनके तैयार है, तो गाइस बना के आप लोग भी देखना इस तरीके से, और फिर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में लिख के आपको रायता कैसे लगा हमारे उत्तराखंडी पहाड़ी स्टाइल में। तो गैस दिन का हमारा लंच जो है हो चुका था, रोटी खाई थी, रायता बनाया था और थी भिंडी की सब्ज़ी,
और उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि काफ़ी थक जाती हूँ, तो कभी कभी ना काफ़ी थकान हो जाती है। तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद 4 बज गए हैं करेक्ट, तो मैं आ गई हूँ किचन में, बच्चों के लिए समोसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है और मैदे में नमक ऐड कर दिया है और अजवाइन ऐड कर दिया है 1 चम्मच, और ये चम्मच आप देख रहे हैं, इस चम्मच से 4 चम्मच मैंने रिफाइंड ऐड कर दिया है मैदे के ऊपर। तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं, और लेकिन मैं रिफाइंड ऐड कर रही हूँ क्योंकि घी इतना ज़्यादा सही नहीं रहता सेहत के लिए, और रिफाइंड फिर भी सही रहता है। और तो मैंने, लेकिन स्वाद अच्छा आता है घी का ना, स्वाद अच्छा आता है, लेकिन वही है कि घी काफ़ी हैवी होता है, तो इसलिए मैंने रिफाइंड ऐड करा है यहाँ पे। और आटा लगा लिया है गाइस, देखिए अजवाइन नमक मैदा और आटा लगा के इसमें थोड़ा सा हम फिर से रिफाइंड ऐसे मल देंगे और आटे को कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी, और तब तक हम तैयारी करेंगे समोसे के अंदर जो भरते हैं ना मसाला, आलू बनाएंगे। तो उधर मैंने आलू जो है बॉईल करके रख दिए हैं, तो चलिए तैयार करते हैं मसाला समोसों के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ किचन में ही हूँ गाइस, खैर कब से, तो मैं तेल जो है यहाँ पे मेरा गरम हो चुका है, तो मैंने इसमें ना एक पूरा बड़ा चम्मच जो है जीरा ऐड कर दिया, उसके बाद डायरेक्ट आलू, और आलू मैंने बॉईल करके छील दिए थे पहले ही, और थोड़ा सा मटर, मटर मैं बहुत कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि घर में पता है बच्चे मेरे मटर नहीं खाते हैं, वो क्या करेंगे कि मटर के दाने जो है ना निकाल निकाल के बाहर रख देते हैं, तो इसलिए मैंने बहुत कम ऐड करे हैं, थोड़ा फ्लेवर के लिए अच्छा लगता है, मटर के दाने अच्छे दिखते हैं, अब हमें तो अच्छे लगते हैं लेकिन बच्चे नहीं खाएंगे, वो निकाल निकाल के सारा वेस्ट कर देंगे। तो इसके ऊपर हल्दी नमक और मिर्च ऐड कर देंगे हम, और मिर्च थोड़ा मैं कम ऐड कर रही हूँ, और गरम मसाला थोड़ा सा क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी कट कर रखी है, हरी मिर्च और धनिया, हरी मिर्च मैंने थोड़ा ज़्यादा कट कर रखी है, अच्छा लगता है समोसों के अंदर। तो यहाँ पे देखिए मटर, आलू और नमक, हल्दी और गरम मसाला, ये सब हमने जो है ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, धनिया है और ये है हरी मिर्च, तो ये भी ऐड कर दिए हैं, और अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। तो गाइस बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि आलू भी उबले हुए हैं, और फटाफट से अब हमें इसको साइड पर रख देना है। तो देखिए मसाला मेरा बन चुका है, इधर मैंने तेल रख दिया है कढ़ाई में समोसों के लिए, और ये रहा मेरा आटा जो मैंने ढक के रखा था, तो आटे को भी काफ़ी रेस्ट मिल गया है। और चलिए अब इसके जो है हम लोई बना लेंगे, लोई बोलते हैं, गोला बोलते हैं कोई, तो जो भी आपकी मर्ज़ी है वो बोलो। तो चलो फिर अब इसको थोड़ा सा मैं फिर से मसल लूँगी हाथों की मदद से, और लोई बना लेंगे, और फिर बेल के मैं आपको बताऊँगी कि हमें समोसा कैसे बनाना है। मैंने पिछली बार जो है ना समोसा बनाया था, उसे चटाई समोसा बोलते हैं, मतलब चटाई के शेप का बनाया था ना, तो ये किसी ने मुझे वैसे कमेंट भी लिखा था कि आप ना कॉर्न वाली जैसे होती है जो नॉर्मल जो समोसे होते हैं उस टाइप का भी बना के कभी दिखाना। तो मैंने कहा चलो, आज बच्चों ने कहा कि समोसा खाना है, और तो मैंने कहा चलो उसी टाइप में मैं बनाती हूँ फिर, क्योंकि उस दिन मैंने चटाई समोसा बनाया था कुछ अलग था, तो ये तो हमेशा ही ये वाला ही शेप हमेशा बनता है खैर नॉर्मली। तो मैंने कहा चलो, कमेंट में लिखा था 2-3 बार आ गया था उनका उस दिन से, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ समोसा, बार बार वो बोल रहे हैं मुझे। तो देखिए ऐसे हमें जो है अच्छे से बेल लेना है, और रोटी की तरह बेलना है, एकदम जैसे हम रोटी बेलते हैं ना उस तरीके से बेलना है। तो ऐसे 2 हिस्सों में काट के, और एक बार एक रोटी जैसी बेली तो 2 हिस्सों में काट के हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, और पानी ले लेना है हाथ पे, थोड़ा सा पानी लगा के, और जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से थोड़ा सा उसको दबा देना है, और ऐसे ही हमको सारे समोसे बनाने हैं। जैसे आप देख रहे हैं गाइस, रोटी बेली और 2 हिस्सों में कट करी, और उसको कॉर्न की शेप में बनाया, और इस तरीके से पानी लगा के और उसे दबा दिया अच्छे से, और अंदर मसाला भरा, आलू भर के, और फिर हमको नीचे से भी पानी लगा देना है अच्छे से, और पानी ज़रूर लगाएगा तभी जाके ना वो खुलेंगे नहीं। तो पानी लगा के हमको सारे ही इसी टाइप में बनाने हैं।
तो मार्केट में काफ़ी थोड़ा बड़े बड़े भी मिलते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा छोटे छोटे से बना रही हूँ। और अब हमको सारे ही इसी प्रकार बना देने हैं। आप देख ही रहे हैं जैसे इस तरीके से बनाइए, और एक रोटी बनाइए उसमें दो समोसे आपके बन जाते हैं। कट करा और फिर ऐसी कॉर्न की तरह फोल्ड किया और पानी लगाया उस पर हल्के हल्के से, और हाथों से ऊपर से ऐसे आराम से दबा दबा के मसाला भर के अंदर से, और नीचे से भी हमको अच्छे से दबा देना है और फोल्ड कर देना है ताकि बाहर ना निकले। तो चलिए फिर आप देख लीजिए, इस तरीके से ही बनाने हैं समोसे सारे, और अच्छे से तल देने हैं और बहुत ज़्यादा जलाने भी नहीं है। और आप देख लीजिए किस तरीके से मैं बना रही हूँ। गाइस जैसे कि आपने देखा समोसे बन चुके हैं और चाय भी बन गई है। तो चलिए हाँ, चटनी वगैरह भी रख दो, समोसे और चाय पी लेते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। नमक पारले भी बनाए कह रहे, थोड़ा सा वो आटा बच जाता है ना लास्ट में, तो उसकी नमक पारले बना ली थी थोड़ी मट्ठी। तो चलिए फिर बाल देखो मैंने इसलिए खोले, पूरा पता है मैं किचन में ऐसी हो गई हूँ, गीली नहा के किचन में घुसी एकदम से, और बस ऐसा लग रहा है दोबारा नहा लिया मैंने। तो चलिए फिर समोसे खा लेते हैं, और रावत जी भी आ गए हैं, 4 बज चुके हैं ऑफिस से। गाइस देखिए कितना मेरा ना पसीना, पता है गर्मी वहाँ किचन में इतनी गर्मी होती है, हद से ज्यादा। क्यों बंद किया, आने दे अपने आप, देख नहीं रहे न्यूज, चलो रहने दो, समाचार लगा रखे थे ना। तो समोसे खा लिए हैं और चाय भी पी ली है, और आज ब्लॉग मैंने जो है दिन में से शुरू किया, फिर लेकिन ज़्यादा शेयर नहीं किया। रायता बनाया था और भिंडी की सब्जी आपको दिखाया नहीं, भूल गई, भिंडी की सब्जी और रोटी बनाए थे हमने। और अभी 5 बज गए हैं, अब 4:30 बजे समोसे बन गए थे मेरे, फिर हमने बैठ के खाया सबने, चाय पी समोसे खाए, और अब थोड़ा सा आधा घंटा और रेस्ट करती हूँ गाइस, फिर जाना है छत में। तो बालकनी में ना काफ़ी गमले हो गए थे मेरे, आगे वाली बालकनी, दो बालकनी है ना हमारी, एक पीछे का आगे, तो आगे वाली में बहुत जो है गमले रखे हैं मैंने। तो रावत जी ने बोला कल कि ना बहुत ज़्यादा हो गए, इनको उठा के ऊपर रख दो आधे, तो जीने में भी हैं काफ़ी। नीचे हमारे जहाँ से हम ऊपर को आते हैं वहाँ से लेके ऊपर छत तक के हमारे गमले हैं, तो मैं सोच रही हूँ कुछ बीच में से हटा के और कुछ बालकनी में से हटा के ना ऊपर रख देती हूँ छत में। तो अभी जाऊँगी थोड़ी देर में, और
छत में, फिर देखती हूँ। चलिए फिर ऊपर जाके मिलूंगी आपको, थोड़ा सा आधा घंटा रेस्ट कर लेती हूँ। आज सुबह से भी मैंने बहुत काम किया, इसलिए ब्लॉग दिन में से मैंने स्टार्ट किया, लेकिन काम कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, मशीन नहीं लगाई। आज मैंने हाथ से कपड़े धोए, एक बाल्टी भर के, बहुत सारे कपड़े थे, मेरे भी थे, बेटी के थे, सब ने, जितनों ने नहाया, पाँच हैं हम, पाँचों ने नहाया सुबह, तो पाँच जोड़ी के कपड़े थे। और कुछ एक्स्ट्रा हो जाते हैं, चद्दर वगैरह तो धोई नहीं, खैर परसों ही मैंने धोए थे शाम को, कल छोड़ के परसों शाम को वॉशिंग मशीन लगाई थी, तो बेडशीट वगैरह सारे मैंने धोए थे। और लेकिन आज कपड़े, रोज़ सब नहाते हैं तो पांच जने हैं, पांच जोड़ी के कपड़े हो जाते हैं, बाकी थोड़ा बहुत और भी थे, जैसे कुछ हैंकी थी, रुमा वो थी, रोटी के कपड़े थे, किचन के पोछे वगैरह सब धो देती हूँ ना। तो लेट जाके सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और गैस आप लोग एक बात मुझे और बताना कि आप लोगों को मेरे किस तरह के ना ब्लॉग पसंद आते हैं, वीडियो पसंद आते हैं छोटी सी जिसमें मैं खाली रेसिपी डालती हूँ, या ब्लॉग पसंद आते हैं। तो जैसा आप कहोगे वो हम जो है बनाएंगे। अगर ब्लॉग पसंद है तो ब्लॉग डालूँगी आप लोगों के लिए, और अगर रेसिपी पसंद है तो खाली रेसिपी डालूँगी, ठीक है। तो चलिए अभी थोड़ी देर रेस्ट करके छत में मिलती हूँ आपको, छत में जाऊँगी और थोड़ा सा गमले आज मैं सोच रही हूँ ऊपर रख दूँ, अब रखने हैं फिर बब्बी, फिर नीचे से ऊपर ले जाने हैं, बताओ नीचे से छत में ले जाओ, ये भी फिर आफती है। बालकनी में लेकिन काफ़ी गमले हो गए थे तो राहुल जी डांटते हैं, वैसे तो बहुत सारे मुझे पौधों का काफ़ी शौक है तो, लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत हो गए हैं बालकनी में, थोड़ा आधे ऊपर रख दो। और जीने में भी काफ़ी हैं तो बीच के जो है ना उनको निकाल दूंगी, बीच के जो हैं तो उन्हें हटा दूंगी, जो ऊपर नीचे हैं हमारे उनको रहने दूंगी। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ और ऊपर जाएंगे जब गमले वगैरह रखने। और कैसे सुस्त सा पड़ गया ना चेहरा, जब थक जाती हूँ ना काफ़ी तो ऐसे ही हो जाता है, मुँह लटक सा जाता है मेरा। तो गाइस यहाँ आ गई हूँ मैं छत में, और यहाँ पे है एक हमारा ये लकड़ी का स्टूल जैसा है, तो इसके ऊपर मैं ये प्लास्टिक की पन्नी रख रही हूँ ताकि ना नीचे पानी ना लगे, इस पर गले ना करके ये, क्योंकि ये लकड़ी का है स्टूल जैसा, और इसके ऊपर मैं गमले रख दूँगी। तो थोड़ा बहुत गमले एक्स्ट्रा नीचे हो रहे थे तो ये कहते कि नीचे ज़्यादा गमले हो गए, इन्हें ऊपर रख दो, तो मैंने कहा कुछ गमले रख देती हूँ ऊपर। और इस स्टूल के ऊपर मैंने ये वाइट कलर का जो आप देख रहे हैं ये पन्नी रख दी है, और इसके ऊपर मैं सारे जो है गमले रख दूँगी यहाँ। और ये नीचे थे काफ़ी, वैसे बालकनी में तो बहुत सारे गमले हो गए मेरे, तो कुछ जीने में थे, सीढ़ियों में ऊपर नीचे को जो हम जाते हैं उसमें थे, और कुछ बालकनी के मैं उठा के ले आई हूँ ऊपर एक्स्ट्रा गमले, तो सारे यहाँ पे मैं लगा लूँगी। और तो गाइस आप लोग मेरी वीडियो को, ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप देख रहे हैं इनको सारे मैं ऊपर रख दूँगी, यहाँ पर 6:30 का टाइम हो रखा है, करेक्ट ऊपर आ रखी हूँ मैं छत में, यह है हमारी छत। और ये गम पौधे जो हैं सारे मैं नीचे से लाई हूँ, जो हमारे जीना है ना ऊपर नीचे जाने की सीढ़ियाँ, तो कुछ उसमें थी, कुछ बालकनी में थी, और अभी भी बालकनी में काफ़ी पौधे पड़े हैं, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पौधे हमारे, काफ़ी हैं बालकनी में भी, तो ज़्यादा हो रही थी तो राव जी ने कहा इन्हें ऊपर रख दो, और ऊपर मैंने कहा ये स्टूल है इसके ऊपर रख देते हैं ताकि, और ये पन्नी भी लगा दी है मैंने नीचे से ताकि ये गले ना करके, क्योंकि लकड़ी का स्टूल है ना ये, और ये पन्नी काफ़ी मोटी सी है, और ये मैंने नीचे से रख दिया, अगर जैसे हम पानी वानी देंगे तो पन्नी में से पानी जो है पूरा नीचे चले जाएगा। और नीचे टाइलों में नहीं रखा मैंने, क्योंकि राव जी डांटते हैं कि टाइल लग रहा है कि नीचे पानी फिर ख़राब, छत ख़राब हो जाती है करके, और नीचे भी वो डांटते हैं कि बहुत गमले हो गए हैं, क्योंकि छत भी वैसे ख़राब हो ही जाती है ना पौधों से, और तो इसलिए मैंने इनको रखा नहीं है नीचे, नहीं तो छत में, नीचे तो खैर काफ़ी जगह है, छत में हमारी बहुत जगह है जो हम यहाँ पौधे रख सकते हैं, लेकिन मना बोलते हैं। तो मैंने कहा ये पौधे जो मैं ऊपर लाई हूँ इनको मैं, ये स्टूल बेकार पड़ा है ऐसे ही रहता है यहाँ पे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसी में रख लूँ, इसमें पन्नी लगा दी है मैंने ताकि ये स्टूल भी नहीं गलेगा और पौधे भी जो हैं ऊपर ही रहेंगे।
तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने पौधे जो है सारे रख दिए हैं और ऊपर यहाँ अब गंदा भी हो चुका है, लेकिन मैं थक गई हूँ काफ़ी, इनको सब नीचे से ऊपर लाई हूँ। तो कल सुबह आके बालकनी साफ़ करूँगी। और ये छत पूरा बालकनी है बाहर को ये, और काफ़ी बड़ी है मतलब हमारी ये छत। यहाँ पे तो ऊपर रख दिए मैंने, देखिए नीचे रखने के बजाय मैंने इस स्टूल के ऊपर ये पौधे सारे रख दिए हैं। और इनकी मैंने कटिंग करी है ज़्यादा, इसमें गुलाब के पौधे हैं और उन पे मैंने कटिंग कर दिया ताकि फिर बाद में ना अच्छे से फूल आते हैं फिर। तो यहाँ यहाँ पे भी देखिए, ये रहा हमारे, यहाँ पे भी मेरे कुछ गमले हैं, यहाँ पे भी कुछ पौधे हैं। और नीचे को जाते हैं, यहाँ से छत में से मैं नीचे को जा रही हूँ, तो यहाँ थे कुछ, वो यहाँ से मैंने उठा लिए थे कुछ पौधे, और कुछ मैंने बालकनी से उठाए थे आगे अंदर जो बालकनी है ना वहाँ से उठाए थे कुछ यहाँ से। और यहाँ से हम जाते हैं फिर नीचे को, देखिए यहाँ भी मेरे पौधे हैं, तो यहाँ पे भी कुछ पौधे रखे हैं मैंने, देख ही रहे हैं आप। तो इतनी जगह नहीं है क्योंकि गमले तो काफ़ी हैं। और यहाँ पे भी ये मेरे ही पौधे हैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर एंड बाय बाय।